क्षेत्र संख्या 56 अमौर श्री अख्तरुल ईमान। सचिव महोदय, इसमें क्या है? तो भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं ना है, सब लोग उसी नाम पढ़ लेते हैं। संविधान हम भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया। उर्दू में जो कानून साज असम्बली का कानून पसंद हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आईन के तई सही तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ सुबोध सिंह। कल विधानसभा में उस समय बखेड़ा खड़ा हो गया जो अमौर से विधायक चुनकर आए और EIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सदन में हिंदुस्तान शब्द पे आपत्ति जाहिर कर दी। विधायकों के शपथ ग्रहण के मौके पर जब उनको शपथ पत्र दिया गया, उन्हें उसको दोहराने को बोला गया, तब उन्होंने ये आपत्ति जाहिर की कि जब हिंदी में जो सदस्य शपथ ले रहे हैं तो वहाँ तो भारत शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उर्दू में जो लोग शपथ ले रहे हैं उन्हें हिंदुस्तान बोलने को क्यों कहा जा रहा है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर जीतन मांझी ने कहा कि ये पहले से परंपरा चली आ रही है, सभी सदस्य इसी प्रकार से शपथ लेते हैं, लेकिन उन्हें जिस शब्द को बोलना है उसको बोल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने भारत शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान शब्द से परहेज किया, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? हिंदुस्तान शब्द बोलने में उन्हें आपत्ति क्या थी? इस बात को लेकर कई लोगों में आक्रोश है। हमारे साथ जय कुमार सिंह है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने भी आक्रोश व्यक्त किया है, कहा कि इससे कहीं नहीं कि एक समाज में है जो वर्ग भेद पैदा होगा, जाति और धर्म में भेदभाव पैदा होगा, उन्होंने एक गलत परंपरा की शुरुआत की है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ऐसा नौबत क्यों आता है कि जो जनता का नुमाइंदा जो क्षेत्र के विकास के का मुद्दा बनाकर चुनाव जीतता है और सदन में जाने के बाद इस तरीके के विवादित बयानों से अपना नाता है जोड़ लेता है। जयकुमार जी, ऐसा नौबत क्यों आता है कि जो जनता के नुमाइंदा है विकास के कामों को छोड़ के सदन में जाके शब्दों पे लड़ाई छेड़ देते हैं? इनके काम ही वही रहा है शुरू से अभी तक, और ये अब तक जो भी किए हैं इसी ढंग का काम किए हैं। इनका एजेंडा कुछ और होता है और करते बोलते कुछ और हैं हमेशा। इनकी एजेंडा के बारे में मुझसे ज़्यादा मत खुलवाइए, नहीं तो खुलवाओगे तो बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ। क्या एजेंडा खुलवा? इनको इनकी एजेंडा है गजवाए हिंद की, जिससे पूरे भारत वर्ष में अपने अपने को वर्चस्व कायम करना। इनका जो मूल काम है, जिस काम के लिए विधायक बनकर आए हैं, वो ये करेंगे नहीं, ये करेंगे अपना वही हिंदू मुस्लिम ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा इनके पास जहन दिमाग में वो कीड़ा भरा पड़ा हुआ है गजवाए हिंद का, इसी को वो अपना जारी रखना चाहते हैं। गजवाए हिंद जो आप बार बार इस्तेमाल करें, गजवाए हिंद से क्या मतलब है? गजवाए हिंद का मतलब है कि पूरे देश में अपना होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, आशय क्या है आपको? उसका आशा यह है कि पूरे हिंदुस्तान में हम अपना वर्चस्व कायम कर लें। हाँ, नहीं आपको बता दें, ऐसे एक को बता देते हैं कि EIM जो है ये पार्टी का विवादों से कुछ नया नेता नहीं रहा। इससे पहले भी महाराष्ट्र विधानसभा में EIM के जो विधायक हैं विवादित बयान दे चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के जो सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके भाई ने तत्कालीन आंध्र प्रदेश में एक सभा के दौरान सार्वजनिक मंच से कहा था कि 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, उसके बाद अंजाम देख लेना कि क्या होगा। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले विवादित बयान उनके विधायक देते रहे हैं। और लेकिन सबसे यहाँ सवाल ये उठता है कि जनता का जो नुमाइंदा होता है वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कि हिंदू मुसलमान नहीं होता है, वो एक क्षेत्र के जो अख्तरुल ईमान अगर अमौर से जीत के आए तो अमौर के गार्जियन है, और वो सदन में जाके हिंदू का और मुसलमान का प्रतिनिधित्व नहीं कर करके अमौर विधानसभा का कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ के जो कमियाँ हैं जिस मुद्दों को उठा के वो चुनाव जीत के आए हैं उनको उठाना चाहिए था, इससे परहेज करना चाहिए था, बावजूद इस शब्द को का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है
या अपने उनका एजेंडा ही यही है, उसी को सेट करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? उनकी एजेंडा ही है और पॉलिटिकल फायदे में जा रहे हैं, हाँ। लिए जा कर रहे हैं। लेकिन सभी पार्टियां तो ऐसा ही करती है, हर एक पार्टियां तो जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है और चुन के तो विकास के मुद्दे पाती है, लेकिन विधानसभा में आने के बाद और सदन में जाने के बाद वो विवादित बयान देने लगती है। इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दिया गया है, जय श्री राम का दिया जाता है, अल्लाह अकबर का दिया जाता है। हाँ, ऐसा तो होता ही रहा है हमेशा और होते करते रहेंगे भी ये लोग। जनता का भला कैसे होगा? जनता का भला ये लोग करेंगे नहीं, अपनी भला करेंगे। तो फिर जनता क्या करेगी? जनता वही करे, क्या करे? बाइकाट करे। किसका करे? अब तो कर दिए, 5 साल के लिए तो बंद गए, अब तो ये डिमोरलाइज हो गए, 5 साल के लिए तो उनको राजा बना दिए, वो जो करे। तो 5 विधायक चुन के आए हैं AIM के, आपको क्या लगता है कि 5 साल में, जब शुरुआत कहा जाता है कि जो शुरू भला तो अंत भला, तो यहाँ तो शुरुआत ही विवादित बयान से हुआ है, तो 5 साल में आपको क्या लगता है कि बिहार में समाज और जाति और धर्म में बहुत बड़ा भेदभाव तो पैदा नहीं हो जाएगा इससे? ऐसा होगा ही, ऐसा ही होगा, भेदभाव पैदा होना ही है, हाँ। होना ही है और विध्वंसक वातावरण होना है इससे, और विध्वंसक वातावरण होगा। हाँ जी, यानी गजवाए हिंद जो आप बोल रहे हैं, आप आना ही है, अपने अपने आप को पोलराइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समाज का इसे घाटा ही घाटा है, समाज के हक में नहीं है, समाज के विरोध है। सबसे बात यह है कि समाज की, हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि समाज के का इससे कहीं ना कहीं घाटा होगा। आप जब एक जनता का नुमाइंदा बन जाते हैं, उसके बाद कई बातें ऐसी होती है कि जो कि आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब आप एक आइकॉन पर्सन होते हैं और समाज आपकी ओर निगाह आपकी ओर देखते रहता है और आपकी बातों को अनुसरण करते रहता है, उसके बाद सदन में जाते हैं, इस तरह के विवादित बयान देते हैं, उसके बाद एक समाज भी है कि आपकी बात का अनुसरण करता है, उसके बाद एक समाज में एक भेदभाव पैदा होता है, और इससे बिहार का तो कतई भला नहीं होगा। बिहार अभी तक इन बातों से अछूता था, यहाँ पे विवादित बयान नेता देते रहे हैं, लेकिन इस तरीके के धर्म और समाज में इस तरीके के विष जो बोने का भी काम किया जा रहा है, विषाक्त वातावरण पैदा करने किया जा रहा है, ये पूरे समाज के लिए एक कहा जाए कि विध्वंसक साबित हो सकता है, और इसलिए समाज को सोचना होगा। हम उन विधायक से भी हम गुजारिश करेंगे कि गलतियाँ होती है, हिंदुस्तान शब्द पे आपत्ति आपको हो सकता है, भारत शब्द पे आपत्ति हो सकता है, उसके लिए एक फोरम होता है, एक मंच होता है, वो व्यक्ति जाके वहाँ पर उस बात को उठाता है। शपथ ग्रहण विधानसभा में चल रहा था, उस वक्त उस शब्द का इस्तेमाल करना, आपत्ति जाहिर करना कहीं से उचित नहीं था। आपको जहाँ मौका मिलता उस शब्द का इस्तेमाल करते, आप एक जनमत तैयार करते, और उसके बाद हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति, आभार शब्द पर आपत्ति, जिस शब्द पर आपको आपत्ति था वो दर्ज कराते, लेकिन आपने गलत जगह पर जाके एक गलत मुद्दे को उठाया है, और इस बात के लिए बिहार की जनता जाहिर सी बात है कि अभी बहुत ही आक्रोश में है, आक्रोश जो है आगे जाके बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप भी ले सकता है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और कमेंट कीजिए।